Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is 25 year of Kudumbashree. जो 25 year हो गया Kudumbashree scheme का, इसके बारे में हम जानेंगे. Kudumbashree is a women self help group network and poverty eradication program in the state of Kerala. जो कुडुमश्री है ये आपका वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क है और पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है. किस स्टेट के लिए? केरला के लिए. ये इम्पोर्टेंट है. लॉन्च इन 1998, इट एम टू एम्पावर वुमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड बाय प्रोवाइडिंग देम विद अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल सपोर्ट. इसको लॉन्च किया गया था 1998 में. इसका मकसद है एम्पावर करना वुमेन को इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से. जो है ये प्रोवाइड करता है उनको अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप का, स्किल करता है डेवलपमेंट को और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. कुडुमश्री ऑपरेट एट द ग्रास रूट लेवल, ऑर्गेनाइजिंग वुमेन इंटू नेबरिंग ग्रुप विथ देन फॉर्म लार्जर कम्युनिटी लेवल एंड वार्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन. जो कुडुमश्री है ये ऑपरेट करता है ग्रास रूट लेवल से, ऑर्गेनाइज करता है वुमेन को नेबरहुड ग्रुप के लिए, उसके बाद फॉर्म करता है लार्जर कम्युनिटी लेवल और वार्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन को. अचीवमेंट जो है कुडुमश्री का हम जान ले, इकोनॉमिकल इम्पावरमेंट, ये इकोनॉमिक इम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है. कुडुमश्री जो है इसने मदद किया है मार्जिनलाइज वुमेन को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने में और इनकम जनरेट करने में. फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इट इस्टेब्लिश जानकिया होटल अक्रॉस द स्टेट ऑफरिंग अफोर्डेबल मील. करेंटली ऑपरेट 125 रेस्टोरेंट प्रोवाइडिंग मील फॉर 10 रुपीज 20. ये जो है कुडुमश्री स्कीम, इसके माध्यम से इस्टेब्लिश किया गया है जानकिया होटल को अक्रॉस द स्टेट में, जो कि ऑफर करता है अफोर्डेबल मील को. अभी अप्रोक्सीमेटली ऑपरेट किया जा रहा है 125 रेस्टोरेंट इनके द्वारा, जो कि प्रोवाइड करता है मील को ₹20 के रेट में. डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, डिजास्टर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में भी ये मदद करते हैं. डोनेटेड ₹7 करोड़ टू द चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड ड्यूरिंग द डिवेस्टेटिंग फ्लड इन केरला. प्रोवाइड काउंसलिंग टू ओवर 8,000 फैमिली अफेक्टेड बाई द फ्लड. ये डोनेट किया था ₹700 करोड़ चीफ मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड में, जब डिवेस्टेटिंग फ्लड आया था केरला पे. और ये काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है, इसने काउंसलिंग प्रोवाइड की है 8,000 फैमिली को जो कि अफेक्ट हुए थे केरला के फ्लड में. COVID-19 रिस्पॉन्स में भी इसकी हेल्प किया गया था. ये मैन्युफैक्चर किया था इसने और सप्लाई किया था मास्क को और सैनिटाइजर को पेंडेमिक के दौरान. वुमेन एम्पावरमेंट, ये वुमेन को एम्पावर करता है. मोबिलाइजिंग वुमेन फॉर कम्युनिटी एक्टिविटी एंड ग्रासरूट प्लानिंग, इनेबल वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल बॉडी आफ्टर इन्फोर्सिंग द 33% वुमेन रिजर्वेशन पॉलिसी. ये मोबिलाइज करता है वुमेन कम्युनिटी एक्टिविटी को ग्रासरूट प्लानिंग के माध्यम से. ये इनेबल करता है वुमेन पार्टिसिपेशन को लोकल बॉडीज के लिए, इन्फोर्स करता है उनको 33% वुमेन रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए. कंसल्टेंसी वर्क एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ये कंसल्टेंसी का भी काम कर रहा है, पॉवर्टी रिडक्शन में भी हेल्प कर रहा है. कुडुमश्री का सक्सेस जो है पॉवर्टी रिडक्शन में, इसको हाईलाइट किया गया स्टडी और सर्वे के माध्यम से, जो कि इंक्लूड करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को नीति आयोग का. जो एक्सटेंडेड कंसल्टेंसी वर्क है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर 13 अदर स्टेट में, ये शेयर कर रहे हैं जो नॉलेज और एक्सपर्टाइज है. लेकिन चैलेंज है, क्या चैलेंज है? चैलेंजेस है इंक्लूड करने को लेकर, जो एड्रेस करना है जेंडर बेस्ड एट्रोसिटी को और स्ट्रांग काउंटर कल्चर फोर्सेज जो है केरला में, उसको एड्रेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेली टूरिज्म. तो हम जानेंगे हेली टूरिज्म के बारे में. केरला टूरिज्म इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस हेली टूरिज्म टू अट्रैक्ट प्रीमियम टूरिस्ट. दे हैव ड्राफ्टेड गाइडलाइंस फॉर हेली टैक्सी सर्विस कनेक्टिंग कोची विथ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक थेकाडी, मुनार एंड कुमारकोम. जो केरला टूरिज्म है वो प्लान कर रहे हैं कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे हेली टूरिज्म को, ताकि अट्रैक्ट किया जा सके प्रीमियम टूरिस्ट को. उन्होंने ड्राफ्ट किया है गाइडलाइंस को हेली टैक्सी सर्विस के लिए, जो कि कनेक्ट करेगा कोची को पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ, जैसे कि थेकाडी हो गया, मुनार हो गया, कुमारकोम हो गया. डिपार्टमेंट एम टू सेट अप द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू फैसिलिटेट दिस इनिशिएटिव. और डिपार्टमेंट का मकसद है कि वो सेटअप करें नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इस इनिशिएटिव को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस फॉर एप्पल. तो हम जानेंगे मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस जो है, जिसकी बात कही गई है एप्पल के लिए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में तो सबने सुना होगा, अब हम मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस के बारे में जानेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस फॉर एप्पल इन जम्मू एंड कश्मीर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस को एप्पल्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर के पीपल के लिए, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको अनफेयर कंपटीशन और प्रीडेटरी प्राइसिंग से. ये मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस होता क्या? मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस इज ए टेम्पोररी मेजर इम्प्लीमेंटेड बाय अ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन एंड प्रीडेटरी प्राइसिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड.
the minimum import price set a minimum price below which the import of a particular commodity is not allowed. जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है ये एक टेम्पोररी मेजर है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अनफेयर कंपटीशन से और प्रीडेटरी प्राइसिंग से इम्पोर्टेड गुड का. जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है ये सेट करता है एक मिनिमम प्राइस को जिसके बिलो जो इम्पोर्ट है पार्टिकुलर कमोडिटी का उसको अलाउ नहीं किया जाता है. वो फ्रेम द रूल, रूल्स को कौन तैयार करते हैं, तो जो डायरेक्टरेट जनरल है फॉरेन ट्रेड के DGFT वो एक आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, वो रिस्पॉन्सिबल है रूल को तैयार करने के लिए जो कि रिलेटेड होगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से. ये इंक्लूड करता है इम्प्लीमेंटेशन को मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस को. सिग्निफिकेंस इसका क्या है, सेटअप करके मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस को जो गवर्नमेंट है इनका मकसद है प्रिवेंट करना एप्पल के इम्पोर्ट को ताकि फ्लडिंग ना हो जाए मार्केट में एक्सेसिवली लो प्राइस पे, और प्रोवाइड करना एक लेवल प्लेइंग फील्ड को फार्मर्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर के. एप्पल कल्टीवेशन के बारे में भी हम जान लें, एप्पल कल्टीवेशन इन इंडिया प्राइमरी टेक प्लेस इन रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल. इट इज ऑल्सो ग्रोन टू अ लेसर एक्सटेंट इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब एंड सिक्किम. चाइना प्रोड्यूसेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल, इंडिया इज रैंक फिफ्थ. एप्पल कल्टीवेशन जो है वो इंडिया में प्राइमरी होता है आपका रीजन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल पे. ये ग्रो किए जाते हैं लेसर एक्सटेंट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम में भी. चाइना प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नंबर एप्पल का, इंडिया का रैंक जो है वो फिफ्थ है. क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर एप्पल, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए एप्पल को ग्रो करने के लिए, तो जो आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन है एप्पल के कल्टीवेशन के लिए ये इंक्लूड करता है कि जो एवरेज समर का टेम्परेचर है वो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एक्टिव ग्रोथ पीरियड के दौरान. एप्पल ट्री को ग्रो किया जा सकता है एल्टीट्यूड में जिसका रेंज 1500 से 2700 मीटर अबव सी लेवल होना चाहिए. ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जहां पर रेनफॉल 1000 से 1250 मिलीमीटर तक होता है थ्रू आउट ग्रोइंग सीजन के दौरान. ये सबसे ज्यादा फेवरेबल है ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए और फ्रूटफुलनेस के लिए एप्पल ट्री का. एडिशनली एप्पल ट्राइब बेस्ड इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल, इसके साथ साथ एप्पल जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं वेल ड्रेन लोमी सॉइल पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PIB के अनुसार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन इंडिया इज बीइंग सपोर्टेड बाय 7 मेजर फील्ड स्टडी कंडक्टेड बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल. तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है भारत का, इसको सपोर्ट किया जा रहा है 7 मेजर फील्ड स्टडी के द्वारा जिसको कंडक्ट किया गया था नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा. इस स्टडी के बारे में हम जान ले, पहले तो इसका एम क्या है. दिस स्टडी एम टू इन्हेंस द फिशरीज सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज GDP. इस स्टडी का मकसद है इन्हेंस करना फिशरीज सेक्टर को और कंट्रीब्यूट करना कंट्री के GDP पे. फील्ड कवर, जो फील्ड जिसको कि कवर किया जाएगा. द स्टडी कवर वेरियस एरियाज सच एज फिश मार्केटिंग सिस्टम, इनोवेटिव फिशिंग प्रैक्टिस, स्टोरेज कंटेनर इंप्रूवमेंट, फिश मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और मिनिमम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, इस सब को कवर किया गया है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज लॉन्च इन 2020 फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर एंड टू ब्रिंग अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन. इसको लॉन्च किया गया था 2020 पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है. इसको लॉन्च किया गया था ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके फिशरी सेक्टर का और ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन लाया जा सके. इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टू फाइनेंशियल ईयर 2024-25. इट प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशरमैन. इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, 5 साल का पीरियड अभी इसके लिए फिलहाल रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए. ये प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस कवरेज को और फाइनेंशियल असिस्टेंस फिशरमैन को. क्या इसका एम और ऑब्जेक्टिव है, रूरल डेवलपमेंट एंड बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी, रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म मोटो कोर एंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन फिशरी. तो रूरल डेवलपमेंट और बूस्ट करने की बात कही गई है रूरल इकोनॉमी को, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के मोटो कही गया है और कोर और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है मॉडर्नाइज कर रहा है ये इंडियन फिशरी को. टाइप ऑफ स्कीम, जो टाइप है स्कीम का, तो जो अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के कॉम्पोनेंट है, जैसे कि सेंट्रली गवर्नमेंट जो है वो बियर करेंगे जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो शेयर करेंगे कॉस्ट को सब कंपोनेंट एक्टिविटी के लिए. टारगेट की अगर इसकी हम बात करें तो ये इन्हेंस कर रहा है फिश के प्रोडक्शन को 22 मिलियन मेट्रिक टन तक. ये इंक्रीज कर रहा है जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडेड फिशरी सेक्टर के लिए जो एग्रीकल्चर पे करेगा 9% तक. ये डबल करेगा एक्सपोर्ट के अर्निंग को अबाउट 1 लाख करोड़ तक के लिए, रिड्यूस
रिड्यूस करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को अबाउट 10% तक और डबल करेगा जो इनकम है फिशर्स और फिशरमैन का। अचीवमेंट की अगर हम बात करें कि इस स्कीम का क्या अचीवमेंट है, फिशरी सेक्टर हैज अचीव इम्प्रेसिव ग्रोथ ओवर 14% एंड ऑल टाइम हाई इन फिश प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। दिस स्कीम हैज प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू ओवर 31 लाख फार्मर। ये जो फिशरी सेक्टर है इसने अचीव किया है इम्प्रेसिव ग्रोथ को ओवर 14% का और ऑल टाइम हाई जो है फिश प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में देखा गया है। ये जो स्कीम है इसने प्रोवाइड किया है इंश्योरेंस कवरेज को 31 लाख फार्मर्स के लिए। इसके अलावा जो और इनिशिएटिव है, तो जैसे कि आपका फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया फिशरमैन के लिए, फिशरी सेक्टर इन इंडिया। फिशरी सेक्टर की अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है वर्ल्ड का। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में भी हम जान लें। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी एस्टैब्लिश इन 1958 हेडक्वार्टर इन दिल्ली इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली पे है, ये आपका एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इट कंडक्ट प्रोडक्टिविटी रिसर्च कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और ये कंडक्ट करता है प्रोडक्टिविटी रिसर्च को, कंसल्ट करता है और ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर लाइकली टू ब्रीच 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड बाय 2027। तो बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो ब्रीच कर जाएगा जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड था इसको 2027 तक। तो जानेंगे इसके बारे में। According to World Meteorological Organization, global temperature are now more likely than not to exceed 1.5 degree Celsius warming threshold within the next 5 years. तो World Meteorological Organization के अनुसार global temperature जो है वो more likely जो है वो exceed कर जाएगा 1.5 degree Celsius warming threshold को next 5 year के अंदर ही। फाइंडिंग क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट जो है ये हाईलाइट कर रहा है कि 66% चांस है कि टेम्पोरली ये एक्सीड करेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट का 2027 का जो है वो इसको क्रॉस कर जाएगा। जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था 1850 से 1990 का जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया लास्ट ईयर में, ये एस्टिमेट कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 50-50 और प्रोवाइड कर सकता है जो थ्रेशोल्ड है 5 डिग्री सेल्सियस का। ये जो थ्रेशोल्ड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवॉइड करने के लिए डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस को ग्लोबल वार्मिंग का, जैसा कि वन किया गया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। हॉटेस्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है और इंडिकेट किया है कि 98% चांस है कि जो वन ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर जो होने वाला है उसमें से एक साल ऐसा होगा जो कि हॉटेस्ट होगा रिकॉर्ड पे और ये सरपास कर देगा प्रीवियस सारे रिकॉर्ड को जो कि सेट हुआ था 2016 पे। रीजन फॉर इंक्रीज लाइकलीहुड, क्या रीजन है जो ये टेम्परेचर बढ़ने का, एल नीनो कम्बाइंड विद ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज विल कंट्रीब्यूट टू हायर ग्लोबल टेम्परेचर। जो एल नीनो इवेंट है और जो कि कम्बाइंड है ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज के साथ ये कंट्रीब्यूट करेगा हायर ग्लोबल टेम्परेचर को। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द सरपासिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस इज कंसिडर मोर पॉसिबल देन नॉट दस इंडिकेटिंग एन अलार्मिंग ट्रेंड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहली बार हिस्ट्री में कि जो सरपास होगा 1.5 डिग्री सेल्सियस ये माना जा रहा है कि मोर प्रोबेबल है और ये इंडिकेट कर रहा है एक अलार्मिंग ट्रेंड को। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भारत के ऊपर, जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर इसके कारण लाइकली कम मॉनसून रेनफॉल होगा, हॉटर ओशियन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा स्ट्रॉन्गर साइक्लोन को जैसे कि अभी हाल में आया था साइक्लोन मोर्चा। इंडिया जो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रेनफेड एग्रीकल्चर के कारण और लंबा कोस्ट लाइन है भारत का जिसको सामना करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट चैलेंज का ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस के कारण। मीजर्स नीडेड, क्या मीजर्स की आवश्यकता है, इम्प्रूव करना होगा फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी को साइक्लोन और वेदर एनोमलीज को लेकर, ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बिल्ड करना होगा रेसिलेंट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि काफी ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया को प्रायोरिटाइज करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि डिफेंड करे इंक्रीजिंग थ्रेट को क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नहीं अब हम जानेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था 1950 पे, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा पे है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ये आपका एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एटमॉस्फेरिक साइंस क्लाइमेटोलॉजी हाइड्रोलॉजी और एरोफिजिक्स के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घड़ियाल। तो हम जानेंगे घड़ियाल के बारे में, पहले भी कंसीडर कर रखा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने कंफर्म किया है जो प्रेजेंस है घड़ियाल का पाकिस्तान के पंजाब में। इस न्यूज के बारे में हम जान ले तो घड़ियाल जो कि क्रिटिकली इंडेंजर क्रोकोडेलियन है, जो कि यूनिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, इसको पहली बार एक्सपीटेट किया गया था इस रीजन से। एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो घड़ियाल है ये पाकिस्तान में इंडिया के पंजाब रीजन से गया है, जहां पर बहुत सारे घड़ियाल जो है जिसको रिलीज किया गया था ब्यास रिवर पे 2017 से 2021 के दौरान। नॉर्मली प्राइमरी ये चंबल बेसिन में थे मध्य प्रदेश के। वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में भी हम जान ले तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेशन जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लेन स्विट्जरलैंड पे है। यह आपका एक स्विस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रहा है वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन के ऊपर और रिड्यूक्शन को लेकर, ह्यूमन इम्पैक्ट का जो पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर इसको कम करने के ऊपर ये काम कर रहा है वर्ल्ड वाइड फंड। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।